उत्तर बिहार को पूर्वी बिहार से जोड़ने वाला और पश्चिमी बिहार से जोड़ने वाला पुल अगवानी सुल्तानगंज पुल का निर्माण अंतिम चरण पर है। हालांकि कंपनी ने जो डेडलाइन दिया है वो जून महीने तक का है, लेकिन अधिकारियों ने जो डेडलाइन दिया है वो इसी साल के दिसंबर तक का है। लेकिन कंपनी का कहना है कि दिसंबर महीने में कभी भी ये पुल पूरा नहीं बन पाएगा, क्योंकि बाढ़ के कारण जो है अभी गार्डर जो है कई जगह पर नहीं चढ़ा जा रहा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर पुल के नीचे हम और कई जगह पर गार्डर चढ़ा दिया गया है। सबसे पहले भू अर्जन की यहाँ पर समस्या आई, भू अर्जन की समस्या पूरी हुई, उसके बाद फिर कोरोना की समस्या आ गई जहाँ पर मजदूर यहाँ पर कार्यरत नहीं थे, इसके बाद फिर बाढ़ की समस्या आ गई, बाढ़ ख़त्म हुआ तो फिर धीरे धीरे जो है काम शुरू हुआ है और फिर जो है काम तेज़ी से यहाँ पर जारी है। गार्डर जो है कई जगहों पर चढ़ा दिया गया है, जहाँ पर पानी ज़्यादा है नीचे में वहाँ पर गार्डर नहीं चढ़ाया जा रहा, अभी पानी धीरे धीरे घटने के बाद वहाँ पर गार्डर चढ़ाए जाएंगे। बता दें कि 1730 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इस पुल को एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस पुल का टेंडर लिया था और वो इसके तहत काम कर रही है। साथ ही इसके फायदे बता दें तो इस पुल के शुरू होने से व्यापारिक जो गतिविधि हैं वो भी बेहतर होंगी और साथ ही साथ जो विक्रमशिला पुल है इस पर भी दबाव कम होगा। वहीं बात करें इस पूर्वी बिहार की तो भागलपुर झारखंड के मिर्जा चौकी से कई इलाके को ये पुल जो है जोड़ेगा। इधर की बात करें तो जमुई और लखीसराय, साथ ही इस ओर की बात करें तो खगड़िया महसकूट सहरसा समेत जो उधर बेगूसराय है और कई जिलों को ये पुल जोड़ेगा। 4 किलोमीटर भागलपुर के तरफ पहुंच पथ बनना है और 16 किलोमीटर खगड़िया की ओर पहुंच पथ बनना है। 3 किलोमीटर 160 मीटर पुल की लंबाई है। काफ़ी अत्याधुनिक तरीके से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। 2013 में पुल का शिलान्यास किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, 2015 में काम शुरू हुआ, जिसके बाद काम धीरे धीरे तेज़ी से होती गई, फिर अब बीच में कार्य जो धीरे हुआ, लेकिन अब जो है कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, काफ़ी अत्याधुनिक तरीके से बेहतर पुल का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। हालाँकि कब तक ये काम पूरा होता है यह देखना अभी बाकी है, लेकिन जिस गति से अभी काम चल रही है, कंपनी ने चार बार डेडलाइन दिया है, अधिकारी ने चार बार डेडलाइन दिया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जून 2022 तक में इस काम को पूरा कर सकेंगे, क्योंकि कई सारी समस्याओं का सामना करना है पुल करना पड़ा है पुल के निर्माण में, इसको लेकर अभी जून महीने तक का और समय लगेगा, उसके बाद ही ये जो पुल है लोगों के लिए समर्पित हो जाएगा। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।